हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुस्कान एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर माय वीडियोस प्रायर नोटिफिकेशन। गाइस, सो फाइनली आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक कैबिन क्रू वैकेंसी पे होने वाली है। आप लोगों में से काफ़ी लोग इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब एयरलाइन हायरिंग करना शुरू करेंगे, कब एयरलाइन हायरिंग करना शुरू करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिन क्रू की हायरिंग हो रही है, इंडिया में ही हो रही है, डोमेस्टिक एयरलाइन कर रही है एंड फ्रेशर्स के लिए कर रही है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस भी जाके दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं जा सकते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए भी है, फ्रेशर्स की हायरिंग चल रही है। अब जो एयरलाइन हायरिंग कर रही है उसका नाम है स्टार एयर एयरलाइन। सो स्टार एयर हायरिंग कर रही है कैबिन क्रू की, फ्रेशर्स कैबिन क्रू की कर रही है, जिसकी आज मैं सारी डिटेल्स, रिक्वायरमेंट्स एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप में से बहुत लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे। जो लोग कतर एयरवेज के लिए इंटरव्यू नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द एज, क्योंकि उसमें मिनिमम एज 21 है, वो स्टार एयर में दे सकते हैं बिकॉज डोमेस्टिक एयरलाइन में 18 इज द मिनिमम एज। तो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ये फ्रेशर के लिए हायरिंग हो रही है, तो इसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अ मिनिमम ऑफ 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सो आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2 होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड इज योर मिनिमम हाइट। सो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर्स है, एंड आपका जो वेट होना चाहिए, जो आपका BMI होना चाहिए, वो 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। सो आपकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर्स है, मैं इसको इंचेस में बता देती हूँ कितना होता है। 155 सेंटीमीटर्स जो है आपका 5.1 इंचेस की हाइट होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 5.5 इंचेस की हाइट है तो वो आपको हायर करेंगे। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो देयर विल बी लेस चांसेस और देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 5.1 इंचेस होनी चाहिए, एंड आपके हाइट के हिसाब से जो आपका BMI होना चाहिए वो 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट इज़ फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एयरलाइन है सो इसमें आपकी दो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर हिंदी एंड इंग्लिश। सो आपकी फ्लुएंसी और रिटन और क्लैरिटी ऑफ स्पीच होनी चाहिए इन दोनों ही लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज़ नो विजिबल टैटू। सो गाइज, ये हर ही एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म में है, एयरलाइन की यूनिफॉर्म में है, तो उसमें आपके जो भी विजिबल बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कोई भी टैटूज नहीं होने चाहिए। एंड ऐसे कोई भी विजिबल पार्ट लाइक आपके नेक पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, जो भी विजिबल एरिया है, या फिर फेस पे, कहीं पे भी कोई टैटू नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैबिन क्रू फील्ड में टैटूज अलाउड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड मैंडेटरी टू ओके, सो नेक्स्ट इज योर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड। सो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका एक पॉजिटिव बॉडी, आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। सो आप अच्छे से ग्रूम होने चाहिए, आपके जो हेयर्स हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपके जो इंटरव्यू अटायर है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल आयरन होना चाहिए, शूज़ आपके एकदम क्लीन पॉलिश होने चाहिए। एंड आप जैसे भी जा रहे हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक जैसे आप स्माइल करते हैं वहाँ जाके, आपको आप नर्वस नहीं होते, कॉन्फिडेंस होता है आप में कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकें। नेक्स्ट इज़ योर मैंडेटरी टू अटैच फोटोग्राफ अलॉन्ग विद CV। सो जो आप CV भेज रहे हैं उसके साथ आप मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि आप अपना पिक्चर भी अटैच करें। सो अगर आप लोगों को रिज्यूमे कैसे रेडी करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सो आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल अटैच द पिक्चर ओवर हेयर। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे CV अटैच करना है। गाइज, ये एक फ्रेशर के लिए हायरिंग हो रही है तो बहुत कॉम्पिटिशन होगा। आई विल सजेस्ट कि आप अपना CV बहुत ही अच्छे से बनाएं। सो लिंक मैंने दिया है, आप उसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज CV इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको जॉब में अच्छी प्लेस दिखा सकती है। अब यहाँ पर है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, एनी एडिशनल सर्टिफिकेट AFSEC प्लस क्रिमिनल वुड बी मोर गुड। अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस के लिए है, या फिर अगर आप किसी ग्राउंड स्टाफ फील्ड में है, तो आप लोगों को पता होगा कि AFSEC का सर्टिफिकेट एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, सपोज जो ग्राउंड स्टाफ में हैं एंड जिन लोगों के पास पहले एक्सपीरियंस है कैबिन क्रू में, सो वो ये चीज़ ज़रूर दिखाएं। एंड ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, बिकॉज फ्रेशर्स के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है।
सो ये अगर आप दिखाते हैं तो अच्छी बात है. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इधर इन्होंने की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बताई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो कैबिन क्रू को करना है वो भी बताया गया है. सो डेमॉन्स्ट्रेटिंग इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड सेफ्टी प्रोसीजर. सो जब आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं आप देखते हैं कैबिन क्रू आपको डेमो देती हैं जिसमें आपको वो सब बताते हैं कि क्या क्या अगर इमरजेंसी होगी तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो वो आपको करना है. प्रोड्यूसिंग रिटन फ्लाइट रिपोर्ट आफ्टर कम्प्लीटिंग अ जर्नी. सो जब आप फ्लाइट कम्प्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक यू नो EVR काइंड ऑफ या फिर रिपोर्ट फिल करनी होती है. सो वो आपको करना है, ये एक्सपीरियंस के लिए ही आ जाता है बेसिकली. ग्रीटिंग पैसेंजर एज दे बोर्ड एंड एग्जिट द प्लेन. सो जब पैसेंजर एंट्री और एग्जिट करते हैं आपको उनको ग्रीटिंग करना है. शोइंग पैसेंजर टू देयर सीट्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल अटेंशन टू सर्टेन पैसेंजर सच एज एल्डरली और डिसेबल्ड पैसेंजर. ओके, सो आपको पैसेंजर्स को सीट, मतलब जब आप कैबिन क्रू बन जाओगे तो आपको क्या क्या करना है, जब पैसेंजर एंट्री करेंगे तो आपको उनकी सीट्स दिखानी है कि कहाँ पर सीट है, बिकॉज हर किसी को पता नहीं रहता है. एंड जो कुछ ऐसे भी पैसेंजर्स होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, लाइक जैसे ओल्ड पैसेंजर्स हो गए या फिर कोई फिजिकली डिसेबल है, कोई नहीं ढंग से चल पा रहा है या तो कोई यू नो ठीक नहीं है, तो आपको उनको स्पेशल अटेंशन देनी है कि उनको आप एकदम प्रॉपरली उनके सीट पे बैठा के आएँ. सर्विंग मील एंड रिफ्रेशमेंट. सो आप अगर एयरक्राफ्ट अगर फुल सर्विस एयरलाइन है तो आपको मील्स और रिफ्रेशमेंट्स जो भी होते हैं वो भी आपको सर्व करने हैं. चेकिंग द कंडीशन एंड द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर पैसेंजर्स. सो जब भी आप एयरक्राफ्ट में जाएंगे आपको सारे ही जितने भी वहाँ इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, एंड प्लस पैसेंजर्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि लाइक अगर कुछ चीज़ होती है फ्लाइट में तो आपको पता होना चाहिए कि किस पैसेंजर्स ने क्या किया एंड क्यों रीज़न था उस चीज़ का. सो गाइज ये कुछ चीज़ें थीं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एंड प्लस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स था क्योंकि ये फ्रेशर्स की हायरिंग कर रहे हैं. अब आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आपको उसमें टच करना है कि कहाँ से अप्लाई करना है. आपको यहाँ पे सिंपली जाके नीचे अप्लाई का एक ऑप्शन दिया है, आपको वो सिंपली प्रेस करना है. गाइस जब आप अप्लाई फॉर कैबिन क्रू एक्सपीरियंस फ्रेशर जॉब पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो भी एड्रेस वगैरह है. एजुकेशन, आपको एजुकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फिल करनी है. वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई भी फील्ड में है आप वो कर दीजिएगा. एंड देन आपको यहाँ पे नीचे ना अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा जहाँ पे आपको आपकी CV विद योर फोटो अपलोड करनी है. सो गाइज यहाँ पर आप अपना CV अपलोड करने के बाद इसको सिंपली सबमिट कर देंगे. एंड क्योंकि आप सभी इस चीज़ से अवेयर हैं कि अभी सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है, तो अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाती है, सपोज़ अगर आपकी उनको जो भी क्वालिटीज़ है पसंद आती है वो आपको या तो डायरेक्ट कॉल करेंगे या तो आपको डायरेक्ट वो मेल करेंगे. अगर फिर भी आपको लगता है कि आप एक बार भेज दें आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप दूसरी बार भी अप्लाई कर सकते हैं. आप दो बार अप्लाई भी करके देख सकते हैं, अगर बाई चांस आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मे बी कुछ मिस्टेक्स हो गई या कुछ, तो आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइज ये थी ये था स्टार एयर एयरलाइन का पूरा ही कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट और उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आई होप मैंने इसमें आपके सारे रिक्वायरमेंट्स पढ़ के बताई, तो मुझे जहाँ तक लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैबिन क्रू फीमेल्स की ही हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है स्टार एयर एयरलाइन मेल की हायरिंग नहीं करते हैं. सो गाइज कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिकॉज अभी स्टार एयर एयरलाइन ने हायरिंग करनी शुरू की है, धीरे धीरे बाकी एयरलाइंस भी शुरू करेंगी. सो ये गर्ल्स के लिए, सो गर्ल्स डू अप्लाई. आपकी जो भी एज है 18 की अगर आप हो गए हो तो जाके अप्लाई करो, मे बी आपका लक काम आ जाएगा, यू नेवर नो. सो प्लीज़ इसको अप्लाई करिए. सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ येस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वांट टू बिकम कैबिन क्रू एंड हु आर इंटरेस्टेड इन कैबिन क्रू जॉब. एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग दिस कैबिन क्रू हायरिंग, सो यू कैन जस्ट फील फ्री एंड कमेंट डाउन मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. My handle is given over there. I will for sure reply to your message. And please, if you are messaging me on my Instagram, do follow me there. So guys, this is all for today. I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye-bye.